हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कैप स्लीव की यहाँ पे कटिंग देखेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है, तो यहाँ पे हम दो प्रकार की कैप स्लीव देखेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये मैंने स्क्वायर में ये फैब्रिक लिया है और यहाँ पे हम दो स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे ट्रायंगल में इसे फोल्ड करूंगी। सर, फोल्ड करने के बाद वापस हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिये, ये बन साइड है, ये पूरी बन साइड है और ये ओपन साइड है। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी आगे की साइड रहेगी और ये हमारी आर्मोल की साइड रहेगी। इस तरह से ये आर्मोल की साइड रहेगी। तो मैंने इसे फोल्ड किया है। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो कैप स्लीव की चौड़ाई रहेगी 3-3.5 तक रहेगी। आप चाहे तो 2.5 तक भी ले सकते हैं, जितने आपको कम चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3.5 इंच तक रहती। तैयार हमारी 3 इंच तक रहेगी और सिलाई के लिए हम 1/2 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ से हम स्लीव की चौड़ाई लेंगे। स्लीव की चौड़ाई अब हमको जितनी रखनी है उतना हम लेंगे। तो जैसे कि हम स्लीव की चौड़ाई लेंगे 5.5 और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे या 1/2 इंच प्लस करेंगे। सिलाई मार्जिन जितनी रहेगी उतनी। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच 1 इंच प्लस करूंगी। तो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से मैं 1 इंच लूंगी। या फिर आपको ज्यादा अंदर लेना है तो आप 1/2 इंच लेके सिलाई जितनी मार्जिन है उतनी आप 1/2 इंच ले सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा रखूंगी नीचे की ओर, तो मैं 1 इंच लूंगी। अब यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है और यहाँ से 1 इंच, तो मैं इसे इस तरह से शेप दूंगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसे शेप दे दिया है। इस तरह से अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो देखिए, हमारी ये कैप स्लीव यहाँ पे हमने कटिंग कर ली। इस तरह से हमने दो कैप स्लीव की यहाँ पे कटिंग कर ली। इस तरह से हमारी ये दोनों साइड की कैप स्लीव ये बनके तैयार है। ये हमने स्क्वायर फैब्रिक में इसे कट किया है। अब हम सीधे फैब्रिक में कैसे कट करेंगे वो देखेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरी कैप स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिये, मैंने ये दूसरा फैब्रिक लिया है। ये लंबाई से ये ज्यादा लंबाई है इसकी। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। ये देखिए, हम दो स्लीव की कटिंग करेंगे इस तरह से। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया, वापस मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करने के बाद ये बंद साइड है, ये ओपन साइड है। तो यहां से हम जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई है, पहले हम यहां से ही लेंगे। तो स्लीव की चौड़ाई जैसे कि हम रखेंगे, मैंने जो आपको बताया था 5.5-6 इंच, जितना आपको चौड़ाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 इंच लेती हूँ 1 इंच प्लस करके, और चौड़ाई हमारी रहेगी 3.5 इंच। 3.5 इंच यहाँ से हम उतना ही लेंगे, 1.5 इंच, जैसे हमने पहली वाली प्रोसेस की थी वैसे ही हम लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच पे। और यहाँ से हम लेंगे 1 इंच और इसे भी हम ऐसे ही सेप देंगे, इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ये भी हमारी कैप स्लीव बनके तैयार है। ये एक सीधे वाले कपड़े में हमें इसे कट किया है, इसे हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये सीधे वाले कपड़े में कट किया है और ये स्क्वायर वाले में। इस तरह से हमने ये कैप स्लीव कैसे तैयार करते हैं वो हमने देखा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।